तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करने वाला हूं मोज एप्लीकेशन के बारे में, और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि मोज एप्लीकेशन के अंदर आपको व्यू कैसे लाने हैं, लाइक कैसे बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, और इसके अंदर लाइव जाने वाला कोई ऑप्शन है या नहीं, मैं ये भी बताने वाला हूं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो फ्रेंड्स, मोज एप्लीकेशन काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक स्नैक वीडियो हो गई, एक मोज हो गई, ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा डाउनलोड की जा रही है। अगर आप किसी के फोन में भी देखोगे तो या तो मोज एप्लीकेशन मिलेगी, या फिर आपको स्नैक वीडियो एप्लीकेशन मिलेगी, या फिर आपको दोनों ही एप्लीकेशन उसके फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि शॉर्ट वीडियो बनाने का शौकीन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर लाइव ऑप्शन कैसे है, कैसे जाए या है या नहीं है। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि मोज वीडियो के अंदर कोई भी लाइव का ऑप्शन नहीं। तो फ्रेंड्स, सेम टू सेम प्रोसेस म्यूजिकली जब मतलब टिकटॉक आया था प्ले स्टोर के अंदर, तो वहां पे भी कोई लाइव जाने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो सेम टू सेम यही इसके साथ भी हो रहा है, मोज एप्लीकेशन के साथ भी। अभी यहाँ पे लाइव जाने वाला कोई भी प्रोसेस नहीं है, और हो सकता है कि आगे जाके कोई अपडेट आए मोज एप्लीकेशन के अंदर और आपको यहाँ पे लाइव ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको लाइक कैसे बढ़ाने हैं और वीडियो वायरल कैसे करनी है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन की स्क्रीन पर। फोन की स्क्रीन पर ले जाने के बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन की स्क्रीन पर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपको मोज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ये मेरी वीडियो निकल के आई हुई है। तो ये वेरीफाइड अकाउंट वाली वीडियो है, तो आप यहाँ पे लाइक देख सकते हैं, 2.8K लाइक आए हुए हैं इसमें। यहाँ पे मैं अब इसकी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू कुछ ज़्यादा खास नहीं दिए गए हैं, 80,000 या फिर 60,000 यहाँ पे व्यू आए हुए हैं। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 13 वीडियो के आसपास अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही फॉलोअर्स है, वो भी मेरा फ्रेंड ने मेरे को फॉलो किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके बाद भी सिर्फ यहाँ पे टोटल आप अगर लाइक देखेंगे तो 318 लाइक है। उसके बाद मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि आपको अपनी वीडियो वायरल कैसे करनी है। तो आपको जाना है सिंपली प्लस के आइकन पे, आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो अगर आपकी बनी बनाई रखी है, तो मैंने यहाँ पे एडिट कर रखी है वीडियो। अब मैं यहाँ से सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, और प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पे इसको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मेरा ये डायलॉग वाली वीडियो है, तो मैं यहाँ पे इसको डायलॉग पे हैशटैग यहाँ पे नीचे डायलॉग दिखा रहा है, फ़नी और कई सारे दिखा रहा है हैशटैग। तो यहाँ पे मेरा डायलॉग वाला वीडियो है, तो मैं सिंपली डायलॉग पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी मेरा टॉपिक है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे और भी हैशटैग लगा सकते हैं, मैंने अपने खुद के हैशटैग बनाए हुए हैं, मैं वो भी लगा सकता हूँ, शिवम रजनीश के नाम से है। तो मैं यहाँ पे वीडियो वायरल लगा लेता हूँ, और एक हो गया शिवम रजनीश लगा लेता हूँ, और एक और लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर दो ही बहुत हैं, एक और लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं वायरल लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, सेव ऑन डिवाइस लिखा हुआ है, इसको आपको बंद कर देना है, मतलब ये आपकी वीडियोस डिवाइस में सेव नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाकर इसको वीडियो को पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, और जब तक अपलोड हो रही वीडियो, यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब इस पर अच्छे खासे यहाँ पे व्यू आने वाले हैं। तो और ज़्यादा तो अच्छे व्यू नहीं आए हुए हैं, और पर 10 या 12 लाइक तक यहाँ पे सिंपली पहुँच जाती है मेरी वीडियो। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लाइव कैसे आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट योर प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे अगर अपनी मोज आईडी का नाम चेंज करना सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिवम रजनीश लिखा हुआ है, और आप भी यहाँ पे आईडी का नाम सिर्फ वो कर सकते हैं जो पहले से मोज वीडियो के अंदर, मोज एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी किसी भी आईडी का नाम ना हो। तो यहाँ पे बायो पे जाके आप बायो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल YouTube चैनल, और सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं बायो के अंदर। मैंने अपना YouTube चैनल का थोड़ा सा प्रमोट कर दिया है अपने YouTube चैनल को, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि इसमें लाइव कैसे आता है। तो अब मैं लेके चलता हूँ प्लस के आइकन पे, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैं लेके चलता हूँ आपको। तो आपको एक भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे गणपति बब्बा का टाइम आने वाला है, तो यहाँ पे हैशटैग चल रहा है गणपति बब्बा मौर्या का,
और कई सारे हैशटैग चल रहे हैं डायलॉग वाला, जिस पे मैंने वीडियो अपलोड की थी अपनी, वो चीज़ है यहाँ पे। तो आप, मैं आप प्लस के आइकन पे लेकर चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लाइव वाला ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे इसलिए मेरे पास लाइव का ऑप्शन नहीं हो, क्या पता 10,000 के बाद आ जाए या फिर 1,000 के बाद आ जाए, पर फिलहाल ऐसा इसमें कोई भी लाइव वाला ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको अगर कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे फ़िल्टर काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं और आप यहाँ पे फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं और स्पीड भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे टिकटॉक में होता था सेम टू सेम ऐसे ही फंक्शन है। तो आप यहाँ से वीडियो बना के सिंपली अपलोड करके वीडियो को वायरल कर सकते हैं और अगर इसमें लाइव का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई आप उनका यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइक भी पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इस नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो बनाते हो तो अगर आपको उसमें नहीं पता कि व्यू कैसे लाने, लाइक कैसे बनाने, तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो और अपने स्नेक वीडियो के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।